हाय दोस्तों, मेरा नाम संगीता गुप्ता है और मैं चंडीगढ़ शहर में संगीता एक्टिंग स्टूडियो अपना स्टूडियो चला रही हूँ, जहाँ पे मैं इंडस्ट्री के लिए एक्टर्स को ट्रेन करती हूँ। इंडस्ट्री चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, तो एक्टर्स की जो इच्छा होती है जहाँ जाने की, उसी के हिसाब से उसे ट्रेन करती हूँ। मेरा अपना करिकुलम है, अपना सिलेबस है, अपना काम करने का तरीका है। मैं पटियाला के थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट से 1992 बैच की पास आउट हूँ। पहले 7-8 साल मैंने एज एन एक्ट्रेस काम किया, बहुत सारे सीरियल, सुपिंदर धंजल से लेकर सुकवान ढड्डा तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया एज एन एक्ट्रेस। फिर धीरे धीरे, जैसे होता ना कि एक आदमी की थ्रस्ट होती है चीज़ों को तलाश करने की, तो मैं उस तरह का जिज्ञासु इंसान, तो उस थ्रस्ट ने मुझे डायरेक्शन में मेरे करियर को तब्दील किया। तो मैंने फिर नाटकों को डायरेक्ट करना शुरू किया। फिर मेरा सिनेमा से थोड़ा नाता टूट गया, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सिनेमा, पंजाबी सिनेमा चल रहा था, और समझ लो कि एक तरह से डूब गया था। तो क्या कि थिएटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, तो मैंने चंडीगढ़ शहर में आकर अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया। फिर मुझे धीरे धीरे शायद लगा कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ, या शायद मैं सिखाती अच्छा हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर आदमजीत मुझे कहते कि तू करेक्टराइजेशन पे कमाल का काम करती है, तू प्रोफेशनली बच्चों को क्यों नहीं सिखाती। पहले तो मुझे लगा नहीं, हालांकि मेरा पूरा खानदान टीचर्स का, मेरे दादा परदादा से लेकर मेरे पेरेंट्स सब टीचिंग लाइन में। तो फिर मैंने पहली बार फॉर्मली थिएटर या एक्टर को सिखाना शुरू किया प्रोफेशनली, फी चार्ज करके। मेरी शुरुआती फीस 1000 रुपया महीना थी। 1000 महीना में मैंने 8-10 लोगों को ट्रेन किया, पर उन्होंने सीरियसली सीखा नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी फी इंक्रीज की, मैंने 3000 रुपये महीने में लोगों को ट्रेन किया, लोगों ने तब भी इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि प्रोफेशनली अपना स्कूल खोल, तब मैंने सारंगलोक में जाकर एक जगह हायर की। वहां पर मैंने 5000 रुपये महीने पे 6 महीने का कोर्स 30,000 में शुरू किया। तो उस बैच में कुछ करीब 6 लोग आए, लेकिन शायद वो भी पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता था, शायद उनकी डिसिप्लिन में कमी थी या उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। पहली बार आज से 10 साल पहले एक बैच आया, जिस बैच ने कहा कि हम प्रोफेशनली एक स्टूडियो बनाते हैं, जिसके अंदर का माहौल हो, बाहरी दुनिया से हमारा रिश्ता टूट जाए। तो हमने एक स्टूडियो बनाया, संगीता एक्टिंग स्टूडियो फॉर्मली। हमने नेट पर स्टूडियो में डाला और पहला बैच आया 6 बच्चों का। पर मुझे लगा कि 6 से ज्यादा बच्चों को मैं ट्रेन नहीं करूँ। उन 6 बच्चों को मैंने ट्रेन किया, जिनमें से एक बच्चा बहुत कमाल का था। इसका नाम है सुखदीप सिंह। कौम दे हीरे 1, कौम दे हीरे 2, जिंदगी जिंदाबाद, रुपिंदर गांधी जैसी फिल्मों में उसने कमाल का अभिनय किया, शायद अब प्रोड्यूसर भी बना हुआ है। तो वो बच्चा MBA करके आया था, उसने बहुत अच्छा काम किया। बाकी लोग भी मॉडलिंग में और छोटे चैनल्स पे काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ ये सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद दूसरे अनेकों बैच आने लगे, और मेरे बहुत सारे बच्चे मुंबई में सीरियल्स में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो मैं आपको बताती हूँ कि रविंदर पवार नाम का एक लड़का, जिससे मैंने सगी फुल फिल्म में एज ए हीरो काम दिलाया था, और आजकल वो रणवीर सिंह के साथ एक ऐड कर रहा है, और अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा है, और विकी कौशल के साथ RSVP के साथ उसका कुछ काम आने वाला है। इस तरह से बहुत सारे लोग, और पंजाब में देव खरौड़, बिन्नू ढिल्लों और जगजीत संधू, धीरज, बरिंदर जी सिंह बनी, ऐसे बहुत सारे बच्चे अनेकों कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं और एक्टर्स का रोल कर रहे हैं। चंडीगढ़ शहर में लगभग मुझे लगता है कि 10 सालों में मैं 500 से ज्यादा बच्चों को निकाल चुकी हूँ फील्ड में काम करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि सिखाना मेरा पैशन है। मुझे काम करने में जितना मजा आता है, उतना ही सिखाने में मजा आता है। और जब कोई एक्टर उसे सीखता है और सीख कर अप्लाई करता है और अपनी सक्सेस स्टोरी बनाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसकी नहीं, मेरी सक्सेस स्टोरी है, और यही मेरे काम करने का नजरिया। तो जो भी बच्चा मेरे एक्टिंग स्टूडियो में आता है, बस उसको मैं सिर्फ एक्टिंग के लेसन नहीं सिखाती, उसे मैं जिंदगी के लेसन भी सिखाती हूँ, क्योंकि जिंदगी और एक्टिंग दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो इस जर्नी में उसे भी मजा आता है करने में, और मुझे भी मजा आता है। मुझे मजा तब और ज्यादा आता है जब मुझे पता चलता है कि 3 महीने बाद उसे पता चलता है कि मैं जो आया था यहाँ पे, अब मैं वो नहीं। अब मुझे सारी चीजों की समझ एक डेवलप हो चुकी है, क्योंकि एक एक्टर की समझ डेवलप होनी बहुत जरूरी है, वो तभी अच्छा एक्टर बनता है। तो करेक्टराइजेशन से लेकर, एक्सप्रेशन से लेकर, बॉडी लैंग्वेज से लेकर, और प्रोनाउंसिएशन से लेकर, डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग आई टीच टू देम। सो बहुत मजा आ रहा है मुझे सिखाने में। मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को मैं सिखाऊं, और पंजाबी सिनेमा में वो एक नया, पंजाबी हिंदी सिनेमा में जहाँ भी वो जाना चाहे, पंजाबी में या हिंदी में, दोनों भाषाओं में मैं ट्रेन करती हूँ, वो एक नया इतिहास रचे और ट्रेंड एक्टर्स का एक नया युग शुरू हो। जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री सारी सिंगर्स पे बेस्ड है, लेकिन एक्टर्स की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी इंडस्ट्री है, ऐसे ही पंजाबी इंडस्ट्री एक दिन एक्टर्स से भर जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 80% एक्टर्स मैं ही ट्रेन करूँ।